केंद्रीय कैबिनेट ने पुराने नोट पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 31 मार्च के बाद तय सीमा से ज्यादा पुराने नोट रखने पर 4 साल की जेल हो सकती है या कम से कम 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। जारी किए गए अध्यादेश का नाम द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स कैसेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑर्डिनेंस रखा गया है। सूत्रों की माने तो अध्यादेश के जरिए RBI सिर्फ कुछ विशेष मामलों में ही पुराने नोट जमा करने की छूट देगी। इसके अलावा 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 के पुराने नोट जमा करने के लिए कठोर शर्तों को पूरा करना होगा। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने से पहले ये बताना होगा कि आखिर अब तक नोट क्यों नहीं जमा किए गए। साथ ही खुद अगर रिजर्व बैंक नहीं पहुंच सकते तो डाक के जरिए पुराने नोट और साथ में घोषणा पत्र भेज सकते हैं। घोषणा पत्र में ये बताना होगा कि खुद क्यों नहीं आए और अब तक नोट क्यों नहीं जमा किए। रिजर्व बैंक आपकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ तो पुराने नोट को नकार भी सकता है। तो नोटबंदी के बाद अब केंद्र सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। इस अध्यादेश के बाद पुराने नोट रखना महंगा साबित होगा और व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। देखते रहिए DB Live।